हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भगत सिंह पर हिंदी निबंध दिया गया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक है। उन्होंने न केवल जीवित रहते हुए स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाई, बल्कि अपनी मृत्यु के बाद भी कई अन्य युवाओं को इसमें शामिल होने के लिए प्रेरित किया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में पंजाब के जिला लायलपुर में बंगा गांव एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह बचपन से ही मेधावी थे। भगत सिंह 14 वर्ष की आयु से ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे थे। सन 1923 में भगत सिंह ने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह की सोच पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि लाहौर की नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना की। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु की वजह से भगत सिंह को गहरा आघात पहुंचा। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उनके दोस्तों ने जॉन सैंडर्स को गोलियों से भून दिया। इन्होंने केंद्रीय संसद सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने देश की आजादी के लिए जिस साहस का परिचय दिया, वह आज के युवकों के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है, जिस कारण उनका नाम अमर शहीदों में सबसे प्रमुख रूप से लिया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।